हेलो फ्रेंड्स मैं हिमांशु एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाले में जी हां हम लोग लेके आए नेत्रा यस करेंट अफेयर ऑन द आईज ऑफ यूपीएससी तो हम लोग यहां पर हर बार पचास क्वेश्चन के लगभग क्वेश्चन करते हैं जो कि वीक में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं उन करेंट यहां पर एमसीक्यूज बनाए जाते हैं और वो एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करे जाते हैं तो विदाउट टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जर्नी और हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये दिख रहा है आपको जहां पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री पहला स्टेटमेंट आपका क्या है स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना इज नोटिफाइड फॉर फोर्थ जनरेशन एथेनॉल प्रोडक्शन इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट कहता है सेकेंड जनरेशनल एथेनॉल इज प्रोड्यूस फ्रॉम सेलोलोसिक एंड बायोमास उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट कहता है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल्स आर जनरेटेड फ्रॉम क्रॉप्स दैट हैव बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड टू एब्सॉर्व लार्ज अमाउंट्स ऑफ कार्बन एंड आर कल्टीवेटेड एंड हार्वेस्टेड एज बायोमास इन क्रिएटिंग दीज फ्यूल्स और यहां पर आपको बताना है कि इन तीन स्टेटमेंट में से आपके कौन से स्टेटमेंट सही है अब मैं आपको पहले क्वेश्चन में बता दे रहा हूं आपको करना कुछ नहीं है आपने करंट अफेयर पढ़ा है पूरे वीक आपको करना बस इतना है कि यहां पर एक कॉपी में या उमार शीट अगर आपके पास है तो अपने ऑप्शन को टिक कर देना है पॉज करना है वीडियो और फिर उसके बाद जो मैं डिस्कशन करूंगा उसको समझना और देखना आप सही है कि गलत है तो यहां पर चलिए देखते हैं हमारा पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं द गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड प्रधानमंत्री जीवन योजना फॉर प्रमोटिंग सेकेंड जनरेशन सेकेंड जनरेशन टू एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम सेलोलोसिक एंड लिग्नोसेलोलोसिक बायोमास इंक्लूडिंग पेट्रोकेमिकल रूट इन दी कंट्री बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग अप 2G इथे बायो रिफाइनरीज तो याद यहां पर याद रखिएगा कि ये 2G है ये 4G नहीं है दूसरी चीज येस yes, यहां पर आप देखेंगे तो सेलोलोसिक और लिग्नोसे बायोमास है तो मतलब पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे यहां पर तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है पहला स्टेटमेंट गलत है यह 4G नहीं दिस इज टू इथेनॉल है ना और दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो सही है जहां पर ये बोल रहा है कि 2G जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम सेलोलोसिक सेलोलेसिक तो ये स्टेटमेंट सही है आइए देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या है फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल सस्टेनेबल एनर्जी यहां पर याद रखिएगा जो फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल है वो प्रोड्यूस करता है क्या सस्टेनेबल एनर्जी एज वेल एज कैप्चर एंड स्टोर सीओ टू ठीक है तो ये याद रखिएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर से सीओ टू को कैप्चर भी कर रहा है बाय कन्वर्टिंग बायोमास मटेरियल्स व्हिच हैव अब्सॉर्ब्ड CO2 व्हाइल ग्रोइंग इनटू फ्यूल ठीक है तो यहां पर याद रखिएगा कि जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो थर्ड स्टेटमेंट सही है और यहां पर इसके बाद ये बोल रहा है द क्रॉप्स आर देन कनवर्टेड इनटू फ्यूल यूजिंग सेकंड जनरेशन टेक्निक है ना उसके बाद क्रॉप्स जो हमारे है हैं वो कन्वर्ट करे जाते हैं फ्यूल में किस टेक्निक की वजह से किस टेक्निक के माध्यम से तो सेकेंड जनरेशन टेक्निक के माध्यम से हैं। तो स्टेटमेंट हमारा थ्री जो है वो एकदम सही है आपका इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि पहला स्टेटमेंट गलत दूसरा सही एंड तीसरा भी सही तो आपका सेकेंड और थर्ड जो है वो सही है मतलब कि सी ऑप्शन आपका क्या है सी ऑप्शन आपका करेक्ट है ठीक है ये चीज आपको समझनी है आप अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज द मोस्ट थ्रेट म ठीक है अब यहां पर एक बात आ आई है कि पिंक बुलवॉर्म के बारे में बात करी हैं। पर तो क्या है कि सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है पिंक बुलवॉर्म से क्या पैडी को है या वीट को है या मस्टर्ड को है या कॉटन को है? इन चारों में से किसको है तो आप यहां पर याद रखिएगा कि जो पिंक बुलवॉर्म है यह लार्वा होता है बोरो इंटू कॉटन बॉल्स टू फीड ऑन दॉटन सीड्स इन दी प्रोसेस दे कॉटन लिंट दिस फीडिंग डैमेज अलाउज अदर इंसेक् एंड फंगाई टू एंटर दॉल एंड कॉज एडिशनल डैमेज ठीक है तो यह याद रखिएगा कि यह किसको कर रहा है दिक्कत पहुंचा रहा है तो हमारे कॉटन को पहुंचा रहा है ठीक है यह चीज हमारा क्या हो गया डी ऑप्शन आपका सही हो गया अब अगर लोग थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे हमारा यहां पर कंसिडर following स्टेटमेंट और पहला स्टेटमेंट क्या कहता है पहला स्टेटमेंट कह रहा है प्रोजेक्ट लाइन हैज लॉन्च टू लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ द एशियाटिक लाइन इन गुजरात ऑन द लाइंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट ठीक है तो यहां पर बोला रहा है प्रोजेक्ट लाइन जो है ये लॉन्च हुआ है किसके लाइंस पे प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के आप कह सकते हैं कि उसी पर चिन्हों पे लॉन्च करा गया है यहां पर ये यह कह रहा है एज ऑफ दिसंबर 2022 देर आर 53 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया एंड राजस्थान राजस्थानस रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी इज दिफ्टी थर्ड टाइगर रिजर्व तो देखते हैं क्या यह सही है कि नहीं है आप वीडियो पॉज करके अपने आंसर को बताइए तो यहां पर हम देखेंगे यहां पर तो प्रोजेक्ट लाइन एनविजेज लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ तो द एशियाटिक लायन इन गुजरात बाय इंटर इंटीग्रेटिंग कंजर्वेशन एंड इको डेवलपमेंट पहली लाइन ये कहती है दूसरी लाइन कहती है द प्रोजेक्ट इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन गीर लैंडस्केप लैंडस्केप इन गुजरात विच इज द लास्ट होम ऑफ द एश एशियाटिक लाइन तो ये बात सही है ये बात सही है कि गुजरात में ये लॉन्च हो रहा है ठीक है तो ये स्टेटमेंट आपका पहला सही है देर आर फिफ्टी थ्री टाइगर रिजर्व यह भी बात सही है लेकिन गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज दी थर्ड टाइगर रिजर्व इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ एंड इज ऑल्सो नोन एज संजय नेशनल पार्क ठीक है तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है ठीक है तो यह आपका क्या हुआ पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है इसका मतलब ए इसका करेक्ट आंसर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन को फोर्थ क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है विद रेफरेंस टू साहित्य एकेडमी अवार्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ठीक है अब साहित्य एकेडमी अवार्ड के बारे में बात हो रही है ठीक है द अवार्ड्स एनुअली कंफर ऑन राइटर्स ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट्स पब्लिश्ड इन 22 लैंग्वेजेस ऑफ द 8थ शेड्यूल

एंथोलॉजी ऑफ मल्टीपल ऑथर्स कैन गेट इट ठीक है तो यहां पर दूसरी बात बोल रहा है कि ट्रांसलेशन वाली बुक को नहीं मिलेगा बट ये अवार्ड जो है एंथलो, एंथलो, of multiple authors के आ, को मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है पहला स्टेटमेंट है कि बिसाइड ट्वेंटी टू लैंग्वेज इनटेड इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दि साहित्य अकेडमी हैज रेकनाइज इंग्लिश एंड राजस्थानी एज लैंग्वेजेस तो इंग्लिश और राजस्थानी जो हमारी 22 लैंग्वेजेस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से इंग्लिश और राजधानी उसके अलावा उसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी भी आप क्या ये कंसिडर करते हैं एकेडमिक गिव्स 24 फोर अवॉर्ड एन एनअली टू लिटरी वर्ड्स इन दी लैंग्वेजेस इट हैज हैजनाइज मतलब कि 22 लैंग्वेजेस प्लस एक इंग्लिश हो गई और एक आपका क्या होगा राजस्थानी हो गई तो यहां पर आप याद रखिएगा यहां पर क्या है यहां पर स्टेटमेंट वर्ड आपका सही है द बुक में बी अ क्रिएटिव और क्रिटिकल वर्क बट मस्ट नॉट बी अ वर्क ऑफ ट्रांसलेशन और एन एंथोलॉजी ऑफ मल्टीपल ऑथर्स तो एंथोलॉजी ऑफ मल्टीपल ऑथर्स भी नहीं होगा तब भी आपको नहीं मिलेगा ये याद रखिए ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशन है या दूसरे ऑथर्स को कई सारे मिला के आपने लिख दिया काम कर दिया ना उसको नहीं मिलेगा तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है सेकंड स्टेटमेंट आपका इस हिसाब से गलत है तो पहला स्टेटमेंट सही है सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है तो आपका आंसर क्या हो गया आपका आंसर हो गया यहां पर ए आपका आंसर यहां, यहां पर ए हो गया

या नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से तो ये चीज हमने यहां पर देखी कि ये जो है ये है आपका इंडिया इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया रिसेंटली ज्वाइन अदर कंट्रीज इन क्रिटिसाइजिंग द तालिबान नेशन वाइड बैन ऑन गर्ल्स अटेंडिंग यूनिवर्सिटीज एंड सेट इट विल पार्टनर टू काउंटर टेररिज्म इन लाइन विद दू यूएनएससी रेजोल्यूशन टू फाइव नाइन थ्री UNSC resolution 2593 टू इन 2021 फॉलोइंग वॉज फॉल ऑफ काबुल एंड दी तालिबान अफगानिस्तान 2021 में करा तब जब हमारा काबुल और जो तालिबान टेक ओवर है वो हुआ ठीक है अकॉर्डिंग टू दी रेजोल्यूशन दिक्योरिटी काउंसिल डिमांड दैट अफगान टेरिट्री नॉट बी यूज टू थ्रेटेन और अटैक एनी अदर कंट्री टू शेल्टर एंड ट्रेन टेरिस्ट यू एन एस सी रेजोल्यूशन टू सिक्स में हुआ है तो यहां पर आपका टू भी है यहां पर हम लोग जो बात करें वो बात करें किसके बारे में वो बात करें टू फाइव नाइन के बारे में टू जो है वो किससे संबंधित है तो टू तालिबान टेक इन अफगानिस्तान से संबंधित है ठीक है याद रखिएगा और आपका यहां टू सिक्स नाइन नाइन जो है टू सिक्स जो, जो आपकी यहां पर इमरजेंसी हुई थी मिलिट्री में मिलिट्री ने करी थी म्यांमार में उससे संबंधित था चलिए अब सिक्स क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहां पर और सिक्स क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इज एन एडहॉक बॉडी एंड इज इट एंड इट इज सेटअप बाय अ मोशन पास इन वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट ठीक है एंड अग्रीड To by the other. तो यहां पर क्या कह रहा है दूसरे हाउस से अग्री हो जाता है लोकसभा मतलब में हुआ तो राज्यसभा ने अग्री कर लिया राज्यसभा से हुआ तो लोकसभा ने अग्री कर लिया ऐसा ये

तो ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए और एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए सेटअप करा जाता है ऐसा नहीं कि हमेशा आपका ठीक है कमिटीज आर बाय बाय अ मोशन इन वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर इसका मतलब हम पहला स्टेटमेंट जो था वो क्या था वो सही था ठीक है दूसरा द डिटेल्स रिगार्डिंग मेंबरशिप एंड सब्जेक्ट आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट और ये कहीं लिखा हुआ नहीं है पार्लियामेंट इसको डिसाइड करता है कितने मेंबर होने चाहिए फिक्स नहीं है यहां पर कुछ भी ठीक है इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है जेपीसी रिकमेंडेशन परसुएसिव वैल्यू बट दमिटी कैन नॉट फोर्स दी गवर्नमेंट टू टेक एनी एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट मतलब जो भी ये बोलेगा तो बस परसुएट कर सकता है आप बता सकते हैं आप कह सकते हैं भाई ऐसा होना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट उसको माने ना माने गवर्नमेंट की मर्जी है

ठीक है हाँ ये जरूर है कई बार वो गवर्नमेंट मान जाती है और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन भी कर लेती है तो जेपीसी जेपीसी आपका क्या है ये स्टेटमेंट सही है सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है और ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है ठीक है तो वन और थ्री आपका सही है इसका मतलब बी ऑप्शन आपका क्या है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है यहां पर तो अब देखते हैं हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन अपना देखते हैं और सेवेंथ क्वेश्चन में यहां पर देखेंगे तो वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज आर अवेलेबल अगर हम लोग वैक्सीन के बारे में बात करें वैक्सीन वैक्सीन हो रहा है तो वैक्सीन किस किस चीजों के लिए है अवेलेबल क्या डिप्थीरिया के लिए है या वूफिंग कफ के लिए है या स्कर्वी स्कर्वी के लिए है या सर्विकल कैंसर के लिए है क्या बेरी बेरी के लिए है या एनीमिया के लिए इनमें छे हैं यहां पर अब याद रखिएगा कि छ के छह जो होंगे ना वो कभी भी ज्यादातर आपके ऑप्शन सही नहीं होते ठीक है जब बहुत ज्यादा आपके चार या चार से ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो उसमें आपका कोई ना कोई गलत होता है चलिए फिर भी देखते हैं यहां पर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड वैक्सीन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सर्विकल कैंसर टू गर्ल्स एज बिटवीन नाइन एंड फोर्टीन ईयर थ्रू देयर स्कूल ठीक है तो ये याद रखिएगा अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या देने जा रही है वैक्सीन देने जा रही है किसके लिए सर्विकल कैंसर के लिए देने जा रही है वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर डिप्थीरिया वूफिंग कव एंड सर्विकल कैंसर ठीक है तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या है आपका ऑप्शन यहां पर आप देखेंगे तो आपके पहला ऑप्शन सही है आपका डिप्थीरिया के लिए है है वुफिंग कर्व के लिए है, और सर्विकल के लिए है मतलब इस एनिमिया के लिए बेरी -बेरी के के लिए लिए और एनीमिया के लिए कोई वैक्सीन नहीं होती है इनकी अगर आप डिजीज को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वैक्सीन की जरूरत नहीं होती है ठीक है इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा वन टू एंड फोर ठीक है वन टू एंड फोर हो गया चलिए देखते हैं सातवें के बाद हम लोग एट क्वेश्चन को देखते हैं अब ये इकोनॉमी के बारे में बात यहां पर हो रहा है कुछ आपको देखना है एंटी डंपिंग ड्यूटी यहां पर ये मार्क कर लो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स दैर आर इंपोज टू ऑफ सेट सब्सिडीज गिवन बाई दी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट ठीक है यहां पर क्या बोला है कि जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज है है ना ये क्या है ये टेरिफ्स है किस पे टैरिफ है ऑन इंपोर्टेड गुड्स जो मंगाया जा रहा है गुड्स उनपे दैट आर इंपोज टू ऑफ सेट सब्सिडीज ठीक है गिवन बाय द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट आपका क्या कर रही है एक्सपोर्ट कर रही है उस पर यह है है ना इंपोर्ट ऑफ चीप प्रोडक्ट थ्रू इलीगल ट्रेड चैनल लाइक स्मगलिंग फॉल विद इन दी परव्यू ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स देखते हैं सही है कि नहीं है द यूज ऑफ एंटी डंपिंग मेजर इज परमिटेड बाय दब्ल्यू टी ओ ठीक है तो ये देखते हैं सही है कि नहीं चलिए यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो डंपिंग इज सेट टू अकर वेन गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू पहली चीज ये समझ लो ठीक है कि डंपिंग क्या होता है डंपिंग डंपिंग जो है एक एक्सरसाइज है जिसमें जो आपके गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं उसमें क्या होता है कंट्री जो है दूसरी कंट्री को वो गुड्स सस्ते दामों में बेच रहा है सस्ते दामों में इसको बोलते हैं डंपिंग डंप कर रहा है सस्ते दाम जो उसकी वैल्यू है उससे कम में बेच रहा है दिस इज एन अनफेयर ट्रेड ऑब्वियस बात है दिस इज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस विच कैन हैव अ इफेक्ट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंटी डंपिंग एंटी डंपिंग इज अ मेजर एंटी मतलब डंपिंग मतलब आप समझ गए एंटी मतलब उसका कोई मेजर होगा एंटी डंपिंग इज अ मेजर टू रेक्टिफाई दि सिचुएशन अराइजिंग आउट ऑफ द डंपिंग ऑफ गुड्स एंड इट्स ट्रेड डिस्टोर्टिव इफेक्ट तो इसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग मेजर लिया जाता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी दैर आर इंपोज टू ऑफ दी एक्सपोर्टिंग गवर्नमेंट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी सब्सिडी ड्यूटी ठीक है तो यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि काउंटरवेलिंग ड्यूटीज आर टैरिफ्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स दर आर इंपोज टू ऑफ सेट सब्सिडीज गिवेन बाय दी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज गवर्नमेंट तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि पहला स्टेटमेंट जो हमारा था पहला स्टेटमेंट क्या हुआ पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया ड्यूटी है? है, है? बोलते है, है? हैं तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है डंपिंग मीन बाय कंट्री अच्छा यह चीज देख ली इंपोर्ट ऑफ चीफ इंपोर्ट ऑफ चीफ प्रोडक्ट थ्रू इलीगल ट्रेड चैनल लाइक स्मगलिंग डज नॉट फॉल विद इन दी Of anti measures. तो दूसरी चीज कि यह एंटी ड नहीं आता स्मगलिंग दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत ऑफ एंटी डिटेडिव ट्रेड बाई डब्लू टी ओ तो थर्ड स्टेटमेंट आपका केवल क्या है सही है तो याद रखिएगा इसमें केवल और केवल आपका थर्ड स्टेटमेंट जो सही है जो बोल रहा है यूज ऑफ एंटी डंपिंग मेजर्स ठीक है यह जो है परमिटेड है किसकी वजह से डब्ल्यू टीओ तो यहां पर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन है डी ऑप्शन यहां लिख रहा है थ्री ओनली तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ठीक है अब आइए नाइन्थ क्वेश्चन पे बात करते हैं द टर्म द टर्म फर्स्ट जजेस केस सेकेंड जजिस केस एंड थर्ड जजेस केस समाइम मैंशन इन द रूज आर रिलेटेड टू तो यहां पर आपने देखा होगा फर्स्ट जजिस केस सेकेंड जजिस केस और थर्ड जजिस केस

फर्स्ट जजेस केस ठीक है जिसको जो 1990 1990 1981 में हुआ था फिर एक हुआ था सेकंड जजेस केस 1993 में एंड दी थर्ड जजेस केस 1998 में कोलेजियम सिस्टम इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंपराइजस फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ठीक है तो कोलेजियम में क्या है आपके एक सीजीआई हैं और चार आपके सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं बेसिकली ठीक है तो यहां पर हम देख सकते हैं क्या यहां पर है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से संबंधित ये केस थे ठीक है ये हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है आइए देखते हैं हम हैं हम लोग क्वेश्चन आगे चलते विद विद रेफरेंस रेफरेंस टू टू आर्ट आर्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट डोकर अ पॉपुलर मेटल क्राफ्ट डोकर अ पॉपुलर मेटल क्राफ्ट हैज जीआई टैग इन बोथ स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड तेलंगाना ठीक है दूसरा यहां पर कह रहा है डोकरा क्राफ्ट ईच फिगरिंग इज क्रिएटेड विद इन अ तो चलिए हम लोग देखते हैं डोकरा क्राफ्ट आर्ट एंड कल्चर से ये आपकी न्यूज है वेस्ट बेंगाल लाल बाजार इज द सेंटर ऑफ डोकरा मेटल क्राफ्ट ठीक है यहां पर बात करेंगे तो लाल बाजार है वेस्ट बेंगाल में और वेस्ट बेंगाल में लाल बाजार जो है फेमस है किसके लिए डोकरा मेटल क्राफ्ट के लिए डोकला मेटल क्राफ्ट फ्रॉम बंगाल गॉट जीआई टैग इन टू थाउजेंड सेवेंटीन वेर एज अदिलाबाद डोकरा अदिलाबाद डोकरा फ्रॉम तेलंगाना गॉडस इट्स टैग इन 2018 लेकिन याद रखिएगा क्या कहलाता है अदिलाबाद डोकरा कहलाता है ठीक है इसके बाद स्टेटमेंट आपका मतलब क्या है है पहला सही डोकरा इज एन ट्रेडिशन इट्स डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री इज अबाउट फाइव थाउजेंड ओल्ड पांच साल पुराना इसकी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है मेकिंग डोकरा आर्ट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ईच फिगर टेक्स अबाउट अ मंथ टू कंप्लीट अबाउट द मंथ टू कंप्लीट और यहां पर लिखा है क्या विद इन अ डे बन जाता है विद इन डे अब ऑब्वियस आपके अगर सेंटेंस आएंगे तो आपको बहुत ही सतर्क रहना है कि याराफ क्राफ्ट जिसको जी आई टैग मिला है क्या वो इतना आसान होगा कि एक दिन में बन जाएगा और उसका इतना महत्व होगा उसमें कुछ ना कुछ तो कलाकारी होगी और जो कलाकारी वाले काम होते हैं वो जल्दी आसानी से तुरंत नहीं बनते हैं यह थोड़ा सा तो वहां पर कॉमन सेंस भी आपको रखना पड़ेगा और गैस भी करना पड़ेगा

Craftsman's wraps up the 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 clay with wax wax threads before baking mold mold. so that the wax melts away and the molten metal is poured into आपको ये ये मैं बता दूं कि हड़प्पा के समय भी यूज हो रही थी हड़प्पा सिविलाइजेशन से ये टेक्निक चली आ रही है तो बहुत पुरानी टेक्निक इसमें करते क्या है इसमें बेसिकली जिस भी चीज का मोल्ड बनाना होता है तो उसका पहले वैक्स बनाते हैं वैक्स वैक्स मतलब मोम जिसको बोलते हैं मोम से पहले वो मोल्ड बनाते हैं उसके ऊपर ये क्ले 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 लपेटते हैं क्ले। क्ले होता है ना जैसे आपने एक मोमबत्ती ली आप मोमबत्ती सोचो किसी डॉल के शेप में है उस डॉल के ऊपर आपने क्ले लपेटा क्ले है ना और क्ले को आपने क्या करा फिर सूखने दिया ड्राई होने दिया पक्का मजबूत होने दिया जब ड्राई म... और बीच में आपने क्या करा होल बना दिया ऊपर होल बना दिया नीचे होल बना दिया है ना और फिर आपने क्या करा उसको जो है आपने गर्म भट्टी पे रख दिया अब गर्म भट्टी में क्या होगा जो हमारा क्ले है वो पक्का हो जाएगा क्ले का जो मोल्ड है वो सॉलिड हो जाएगा और जो हमारा उसके अंदर मोम है वो पिघल के छेद से जो आपने बना रखा है होल उस होल से मेल्ट करके निकल जाएगा अब इस क्ले के मोल्ड में आप क्या करेंगे आप जो हाँ आपका ब्रास है ब्रास को पिघला के उसमें डालेंगे बाद में वही शेप वही शेप वो ले लेगा है ना और फिर उसके बाद आप क्ले को तोड़ के हटा देंगे और ब्रास से बना आपको ये मेटल वर्क दिख जाएगा तो ये जो टेक्निक है ना ये जो टेक्निक है ये हड़प्पा में भी यूज होती है सार तो हो सकता है इस क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ आपका हड़प्पा का भी जोड़ दे। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इन करेक्ट है एक दिन नहीं लगता है इसमें एक महीना लग जाता है ठीक है तो ये है हमारा क्या ये है हमारा दसवां क्वेश्चन अब बात करते हैं हम लोग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सोवियत यूनियन वॉज दी फर्स्ट कंट्री हु लॉन्च द आर्टिफिशियल सैटेलाइट

तो आर्टिफिशियल सबसे पहला जो सैटेलाइट है वो किसने करा था वो यूएसएसआर उस समय जो था उसने करा था स्पूतिक वन के नाम से और स्पूतिक के नाम से रशिया ने अपना वैक्सीन भी निकाला था अनकंट्रोल मतलब पहला स्टेटमेंट आपका सही है अनकंट्रोल री एंट्री मीन द रॉकेट सिंपली फॉल्स अनकंट्रोल री एंट्री मतलब है कि जो स्टेजेस है रॉकेट के वो क्या होते हैं वो फॉल हो जाते हैं इट्स पाथ डाउन इज डिटरमाइंड बाय इट्स शेप एंगल ऑफ डिसेंट Air currents and characteristics. It will also disintegrate as it falls. As the smaller pieces fan out, the potential radius of impact will increase on the ground. A spaceship return in a controlled manner. ठीक है, याद रखिएगा, spaceships return ना controlled manner. और आपको जो हमने बात बताई कि यहाँ पर uncontrolled entry क्या होती है, वो ये है, जो कि वहाँ मेंशन है, वो नहीं. ठीक है, तो statement second आपका गलत. इज नो इंटरनेशनल बाउंडिंग ऑब्वियस बात है कैसी बाइंडिंग हो सकती है यार इसमें है ना टू इंश्योर रॉकेट स्टेज ऑलवेज परफॉर्म कंट्रोल्ड री एंट्रीज नॉर ऑन विद टू डू सो तो ये कैसे कोई कह सकता है स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानता ही नहीं है तो कैसे इसमें एग्रीमेंट हो सकता है ठीक है तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है दी लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 रिक्वायर्ड कंट्रीज टू पे फॉर डैमेजेस एंड नॉट टू प्रिवेंट देम तो यहां पर लाइबिलिटी कन्वेंशन 1972 है ही तो बात है अगर ऐसा कुछ होगा तो इससे जो डैमेज होगा इससे जो डैमेज होगा उसके डैमेज को आपको पे करना पड़ेगा पेनल्टी पे करनी पड़ेगी लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये कह देंगे कि नहीं भैया होगा ही नहीं ऐसा ठीक है तो स्टेटमेंट आपका थ्री भी गलत है ठीक है तो यहां याद रखिएगा यह भी गलत है यहां पर एक शब्द आया है क्या ऑलवेज ऑलवेज शब्द जो है एक्सट्रीम शब्द है और जब भी ऐसे एक्सट्रीम शब्द आते हैं याद रखिएगा स्टेटमेंट गलत होते हैं ठीक है उसके बाद ये स्टेटमेंट आप जो देख रहे हैं दूसरा स्टेटमेंट ये भी गलत है मतलब पहला स्टेटमेंट सही है इसका मतलब आपका आंसर वन जो ए है वो सही आपका आंसर है ठीक है अब हम लोग देखते हैं विद रेफरेंस टू स्वामित्व ठीक है स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इन इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज ठीक है अब जो स्वामित्व है ये क्या है ये सर्वे है ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजीज इन विलेजेस एरिया तो सर्वे हो रहा है इंप्रोवाइज टेक्नोलॉजी मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है और कहां हो रहा है विलेजेस में हो रहा है ठीक है तो इसके बारे में देखते हैं स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च टू इनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन रूरल इंडिया बाई प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ राइट रिकॉर्ड ऑफ राइट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ओनर पहला स्टेटमेंट ये बोलता है दूसरा स्टेटमेंट द स्कीम वॉज लॉन्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ठीक है यह सही है स्कीम नॉन पंचायत एरिया इन नॉन पार्ट इन नॉन पार्टेट एंड सिक्स शेड्यूल्ड एरियाज आर एक्सक्लूडेड तो यहां पे कह रहा है कि ये जो स्कीम है नॉन पंचायत एरियाज इन नॉन पार्ट नाइन स्टेट एंड सिक्स शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है तो देखते हैं हम लोग चलिए बात करते हैं यहां पर यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे तो पहली चीज समझिएगा इट वॉज लॉन्च ऑन नेशनल पंचायती राज डे ट्वेंटी फोर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी दो हजार बीस में लॉन्च हुआ था विद रिजॉल्व टू इनेबल टू इनेबल द इकोनॉमिक प्रोग्रेस टू इनेबल द याद रखिएगा क्या इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ रूरल इंडिया बाई प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड राइट रिकॉर्ड ऑफ राइट टू एवरी रूरल हाउस होल्ड ऑफ हाउस होल्ड ओनर ठीक है इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका सही है कंप्लीट सर्वे ऑफ विजेज इज डन बाई ट्वेंटी ट्वेंटी ऑफ पंचायती राज इसका मतलब आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है ठीक है तो पहला स्टेटमेंट सही दूसरा स्टेटमेंट सही द स्कीम कवर्स पंचायत इन ऑल टीयर्स एंड ट्रेडिशनल बॉडीज इन नॉन पार्ट नाइन स्टेट एंड सिक्स शेड्यूल एरिया इसका मतलब आपका थर्ड जो है थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है ये इसको भी इंक्लूड करता है सारे विलेजेस को इंक्लूड करता है इसका मतलब क्या हो जाएगा? Two, आपका option, है? अब हम लोग बात करते हैं सोशल विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज दी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स ठीक है एसपीआई फॉर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया ठीक है तो कौन सी कौन सी बॉडी या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली पब्लिश कर रहा है क्या सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को फॉर स्टेट इंडिया पर नीति आयोग है, क्या? है, क्या? है, क्या? या है अपने आंसर को लॉक कर लो क्योंकि आंसर आपके सामने आ रहा है और आंसर बात कर रहा है किसकी द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्स ऑफ इंडिया इज रिलीज बाई द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू दी पीएम जिसको बोलते हैं हम क्या ई एम मतलब कि इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर इट कॉम्प्रिहेंसिव टूल दैट सोशल प्रोग्रेस एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स ठीक है तो यहां पर याद रखिएगा कि सी ऑप्शन करेक्ट है ठीक है. है, है और, ये भी देता है कि और आपका, आपका पे कितना प्रोग्रेस सोशली हो रहा अब हम लोग बात करते हैं यहां पर हमेशा न्यूज में रहती है जो चीज वो है जीएम क्रॉप जीएम क्रॉप के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर देखिए आप इंडिया इज करेंटली नॉट इंपोर्टिंग एनी एडेबल जीएम क्रॉप और देयर प्रोडक्ट्स पहला ये बोला है कि हम लोग जो हैं कोई भी जीएम क्रॉप को अभी इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट पोटैटो इज डेवलप्ड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च तो क्या सही है ये आईसीएर ने क्या हमारा लेट ब्लाइट

आपका इंपोर्ट करा जा सकता है तो पहला स्टेटमेंट गलत है ऐसा नहीं है कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं कनोला ऑयल है हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट पोटैटो डेवलप्ड बाई सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला ठीक है यहां पर लिखा हुआ है पॉड बोरा रेजिस्टेंट इन पिजन पी डेवलप्ड बाय आईसीआर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली इंसेक्ट रेजिस्टेंट चिकपीक डेवलप बाई आई सी ए रिसर्च कानपुर एंड आयरन एंड प्रो वाइटमिन रिच बनाना बाय नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन बनाना पल्ली जिसे ट्रिची बोलते हैं ठीक है इसका मतलब यह सही है कि आईसीए ने यहां पर बहुत सारे ऐसे बनाए हैं यहां पर पोटैटो बनाया है जो कि लेट ब्लाइट रेजिस्टेंट है यहां पर इन्होंने पिजन पी डेवलप करा है जो कि पॉड बोर रेजिस्टेंट है जो कि एक बीमारी हो जाती है पिजन पी में ठीक है यहां पर आपका चिकपी जो है उसमें इंसेक्ट से दिक्कत होती है तो इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाया है यहां पर ठीक है उसके बाद प्रो प्रोवाइटमिन रिच बनाना भी बनाया है त्रिची ने ठीक है आईसीआर त्रिची ने तो याद रखिएगा मतलब सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है और जहां तक हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारा सही है ही तो ये पहला गलत हो गया आपका दूसरा सही है और तीसरा आपका सही है इसका मतलब वन टू और थ्री आपका सही है मतलब सी ऑप्शन हमारा क्या है करेक्ट है सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है चलिए अब हम बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब कुछ स्टेटमेंट है से इनको देख लेते हैं हम लोग ठीक है बैनिंग एल्कोहॉल विथ प्रोहिबिशन अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन दस्टिट्यूशन बेस्ड ऑन सोशल आइडियोलॉजी तो ऐसा बोला बैनिंग अल्कोहल जो है ये डीपीएसपी पी एस पी में है एंड इंडियन सिटीजन हैज द फंडामेंटल राइट टू कंज्यूम लिकर अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन विच रिस्ट्रेक्टेड टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तो देख लेते हैं, सीधे इसमें

एस सुप्रीम कोर्ट इन इट जजमेंट मेनी टाइम स्टेटेड दैट देर इज नो फंडामेंटल राइट टू ट्रेड इन इंटॉक्सिकेंट लाइक लिकर सो नो फंडामेंटल राइट टू कंज्यूम एंड ट्रेड लिकर ठीक है तो स्टेटमेंट टू भी आपका क्या है स्टेटमेंट टू भी आपका गलत है ठीक है स्टेटमेंट टू भी आपका गलत है क्लियर है. है बात यहां पर तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो गया अब हम लोग बात करते हैं यहां पर किसके बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं बेनिन इन ब्रॉन्जेस के बारे में ठीक है बेनिन इन ब्रॉन्जेस जो कि न्यूज में रहता है वो किससे रिलेटेड है बेनिन इन ब्रॉन्जेस के बारे में बात करें अगर तो बेनिन इन बेसिकली किससे रिलेटेड है समझिए नेचुरली फाउंड ब्रॉन्स विद हाई टिन कंटेंट क्या यह ऐसा है ग्रुप ऑफ स्कल्पचर्स एंड एक्जो प्लानिट फाउंडेड बाय केपलर स्पेस टेलीस्कोप या एन एलिमेंट विच हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू ब्रॉन्ज अलॉय तो यह बहुत बार न्यूज में है और हम लोग ये जानते हैं कि रिसेंटली जर्मनी हैज रिटर्न ट्वेंटी बेनिन इन ब्रॉन्जेस दैट वर लूटेड इन दी नाइनटीन सेंचुरी टू नाइजीरिया नाइजीरिया को उन्होंने लौटाए हैं मतलब कि ये हमारे स्कल्पचर्स स्कल्पचर्स हैं दी बेनिन मेड ऑफ ऑफ ब्रास एंड आर अ ग्रुप स्कल्पर इंक्लूड इलेबोरेटरी डेकोरेटेड क्लास प्लेक्स कास्ट प्लेक्स कामोमरेटिव हेड्स एनिमल एंड ह्यूमन फिगर्स आइटम्स ऑफ रॉयल रेगीलिया एंड पर्सनल ऑर्नामेंट्स तो बेसिकली ये स्कल्चर है ये स्कल्पर है आपको बता दिया कौन कौन से स्कल्पर है यहाँ पर ह्यूमन फिगर्स भी है यहाँ पर एनिमल्स भी हैं कोमोरेटिव हेड्स भी हैं कास्ट प्लेक्स भी हैलिया के भी आइटम्स है यहाँ पर और पर्सनल ऑर्नामेंट भी है देवर क्रिएटेड फ्रॉम एटलीस्ट सिक्सटीन सेंचुरी ऑनवर्ड्स तो ये सिक्सटी सेंचुरी ऑनवर्ड से बनना चालू हुआ इन वेस्ट एफ्रीकन किंगडम ऑफ बेने ठीक है तो याद रखिएगा बेनिन में ये स्टार्ट हुआ था बाई स्पेश गिल्ड वर्किंग फॉर रॉयल कोर्ट ब्रोन्स इज एन एलॉय कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ कॉपर कॉमनली विदेल्व टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ टेन ऑफन विदिशन ऑफ अदर मेटल एंड नॉन मेटल सच एज फॉस्फोरस और मेटेलोराइड सच एज आर्सनिक और सिलीकॉन ठीक है तो यह हमारा देख सकते हैं आप यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा सही ऑप्शन तो सही ऑप्शन है आपका ग्रुप ऑफ स्कर्स ये ठीक है जो कि ब्रोन्ज से बना हुआ है अब आइए हम लोग सत्रह क्वेश्चन को यहां देखते हैं सत्रह क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फोइंग प्रोडक्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब जीआई टैग क्या इलाहाबाद सुरखा इलाहाबाद सुरखा को मिला है क्या कसूती एम्ब्रॉयडरी को मिला है जॉय नगर मोआ को मिला है बनारस मुरल पेंटिंग को मिला है मुर्शिदाबाद छाना बोरा को मिला है तंजावुर पेंटिंग्स को मिला है या काजी नीमो को मिला है इतने में से हमको देखना है कि किन कीन किन को मिला है अब मैंने आपको बताया इतना होगा तो हमेशा ऑप्शन में आपको जानते हैं कि सारे नहीं मिलेंगे ये एक है अब यहां पर याद रखिएगा बात कि आप ऑप्शन इसका सी सही है जो अलाहाबाद सुरका है ये यूपी का है इसको मिला हुआ है कसूती एम्ब्रॉयडरी कर्नाटका का है जॉय नगर आपका मुआ जो है ये वेस्ट बंगाल का है थंजावर पेंटिंग तमिलनाडु की और कांजी काजी मतलब होता है नींबू काजी नींबू लेमन जो है वो असम का है ठीक है बनारस मुरल पेंटिंग एंड मुर्शिदाबाद हैव अप्लाइड फॉर जी आई टैग बट हैव नॉट बीन ग्रांटेड येट ठीक है तो याद रखिएगा यहां पर कि बनारस मुरल पेंटिंग को अभी तक नहीं मिला है और मुर्शिदाबाद छनाबोरा को नहीं मिला ठीक है मतलब आपको यहां पर देख सकते हैं आप ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन क्या होगा यहां पर आपका ऑप्शन हो गया सी मतलब कि यहां पर देख सकते हैं वी कैन सी क्लियरली कि हमारा कर्नाटका का कसूदी कसूती एम्ब्रॉयडरी इलाहाबाद का मतलब यूपी का आपका इलाहाबाद सुरखा यहां पर हमारा जॉयनगर मुआ वेस्ट बंगाल का यहां पर तंजावुर तमिलनाडु कांजी निबू असम का ठीक है मतलब कि हमारा वन टू थ्री सिक्स एंड सेवन आपका सी ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है ठीक है चलिए सत्रवे के बाद हम लोग पहुंचते हैं अपने अट्ठारहवें क्वेश्चन में और यहां पर देखते हैं एक इकोनॉमिक का इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये ठीक है यहां पर देखते हैं द सरचार्ज कलेक्टेड बाय बाई सेंट्रल गवर्नमेंट इज इक्वली शेयर्ड विद स्टेट्स वेयर एज सेस ज कंप्लीटली यूज एज दिप्शन ऑफ सेंटर इसके बारे में एक बार और हम बात कर चुके हैं ठीक है? तो एक constitutional amendment चाहिए किसके लिए कि जो CES है, वो डिविजिबल पूल ऑफ रिसोर्सेज में आ जाए तो क्या है इसका सही आंसर तो आपको पता चलेगा कि यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है कि एक अमेंडमेंट चाहिए आपको तभी जाके आप सेस और सरचार्ज जो है इनको डिविजिबल पूल ऑफ रिसोर्सेज में ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए ठीक है लेकिन पहले के बारे में अगर बात करें तो सेसेज एंड चार्जेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ डिविजिबल पूल ऑफ रिसोर्सेज याद रखिएगा आपका सेस हो गया या सरचार्ज हो गया यह बंटवारा नहीं होता इसका पैसा जो आता है वो केंद्र के पास रहता है केंद्र के डिस्क्रिप्स में रहता है तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया जिसमें बोला जा रहा है कि जो सरचार्ज है सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है मतलब कि ओनली ओनली टू इज करेक्ट विच मीन बी इज योर करेक्ट आंसर ठीक है अब हम लोग यहां बात करेंगे अगर तो विद रेफरेंस टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज सोशल स्टॉक एक्सचेंज एस एसई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब आप यहां पर कुछ स्टेटमेंट को देखिए स्टॉक सोशल स्टॉक एक्सचेंज ज अप्रूव टू बी सेटअप अंडर देगुलेटर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ठीक है मतलब रेगुलेटर जो सेबी है, वहां पर, वहां पर है उसके अंडर सेटअप होने के लिए है ठीक है ये इट इज अप्रूव टू बी सेटअप अंडर दही है कि नहीं सेबी के अंडर है कि नहीं लाइक एन एस सी बी एस सी एस एस ई विल बी सेटअप एज ए एंटिटी तो जैसे एन एस है हमारा बी एस सी है वैसे ही एस एस ई जो है वो सेपरेट एंटिटी होगा ओनली नॉन प्रॉफिट विल बी लिस्टेड ओनली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विल बी लिस्टेड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा सही है हमारा तो हम देखेंगे यहां पर इन यूनियन बजट ट्वेंटी इट वॉज प्रपोज इट वॉज प्रपोज है ना क्रिएशन ऑफ अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज अंडर द रेगुलेटरी एम्बिड ऑफ सेविड फॉर लिस्टिंग सोशल एंटरप्राइजेस एंड वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द रियलाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव सो दैट दे कैन रेज कैपिटल एज इक्विटी डेप और एज यूनिट लाइक अ म्यूचुअल फंड तो स्टेटमेंट वन आपका क्या है सही है कि ये सेबी के अंडर फॉर्म होना है ऐसा प्रपोजल है Recently the NSE received approval from the market regulators SEBI to set up social stock exchange as a separate segment of NSE and so it will be a part of NSE. <laughs> तो ऐसा बोला गया अगर कि SSC आपका जो NSE है आपका National Stock Exchange या Bombay Stock Exchange उसकी तरह होगा same तो ऐसा नहीं है जो SSC है वो आपका separate entity है इसका मतलब जो second statement था वो गलत था. दूसरी चीज एस एससी लिस्ट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस इसका मतलब आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है लेकिन कुछ चीजें और जान लीजिए एनपीओ आर एस्टैब्लिशमेंट दैट वर्क मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिशमेंट दैट वर्क फॉर दी वेलफेयर ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी एंड आर सेटअप एज चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन तो आप बोलते हैं ना कि भैया चैरिटी में काम कर रहे हो क्या यहां पर आए हो मेहनत करो तो वाकई में जो चैरिटी में काम कर रहे हैं चैरिटी में, में काम कर रहे हैं वो भी मेहनत करते हैं ऐसा नहीं है ठीक है और वो लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं ठीक है जिसमें कोई प्रॉफिट उनकी कंपनी नहीं करती है दी एस एस सी एम्स टू प्रोवाइड देम विद ऑल्टरनेटिव फंड रेजिंग एवेन्यू ठीक है तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका सही है इसका मतलब इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है दूसरा स्टेटमेंट गलत है ये एन एस सी का पार्ट होगा और तीसरा स्टेटमेंट क्या है आपका कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है है ना उसमें उसमें आपके सोशल स्टॉक एक्सचेंज में वही लिस्ट होंगे ठीक है इसका मतलब वन और थ्री आपका सही है मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट है बी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है अब देखिए कंसिडर दिन स्टेटमेंट को देते हैं इंडिया विल बी होस्ट ऑफ बिल्कुल सही है एज वेल एज दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको एस सी ओ बोलते हैं इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ईरान इज अ परमानेंट मेंबर ऑफ एस सी ओ तो इसके बारे में आपने देखा होगा कुछ रिसेंट आपको पढ़ा होगा आपने इंडिया विल बी प्रेजिडेंट ऑफ जी ट्वेंटी इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एंड इट गॉट इट चेयरमैनशिप ऑफ एस सी ओ इन ट्वेंट सेप्टेंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू एट समरकंद उजबेकिस्तान डेली समरकंद उजबेकिस्तान ठीक है तो जो एस एस आपका एस सी ओ है एस सी ओ है वहां पर जो आपका समरकंद में हुआ था इस साल उजबेकिस्तान में इस साल उजबेकिस्तान में जो हुआ था ठीक है वहां पर क्या मिला हमें चेयरमैनशिप मिली डेली विल होल्ड द प्रेजिडेंसी ऑफ दी ग्रुपिंग फॉर ईयर एंड अंटिल सेप्टेंबर 2023 एंड नेक्स्ट ईयर इंडिया विल होस्ट द एस समिट इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है दोनों जो है दोनों एस सी की जो होस्ट कर रहा है वो इंडिया ही कर रहा है ईरान हैज बीन एडमिटेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द एसीओ एट समरकंद समिट तो इसी साल जो समर कंस मिट था उसमें हमने ईरान को भी परमिट कर लिया है एज अ परमानेंट मेंबर तो स्टेटमेंट टू भी सही है इसका मतलब बोथ वन एंड टू आर करेक्ट मतलब सी ऑप्शन आपका क्या है सी ऑप्शन आपका सही है ठीक है अब हम लोग आते हैं अपने ट्वेंटी क्वेश्चन पे जो बात तो बात कि बात कर रहा है इंटर कनेक्शन टू एग्रीकल्चर जो कि फोकस करता है ऑन इंटर कनेक्शन ऑफ फार्मिंग सिस्टम्स एंड इकोलॉजिकल सिस्टम एज अ होल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज क्या होता है वो क्या इसको हम क्या इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं सही में क्या इसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं इसको क्या हम जीरो बेस्ड जीरो बजट फार्मिंग बोलते हैं या इसको रीजेनरेटिव फार्मिंग बोलते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसको बोलते हैं रीजेनरेटिव फार्मिंग इज अ होलिस्टिक फार्मिंग सिस्टम दैट फोकस ऑन सॉइल हेल्थ फूड क्वालिटी फूड क्वालिटी बायोडाइवर्सिटी इंप्रूवमेंट वाटर क्वालिटी एंड एयर क्वालिटी थ्रू मेथड्स थ्रू मेथड्स सच एज रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड रिड्यूसिंग टिलेज इंटीग्रेटिंग कवर क्रॉप ठीक है तो ये याद रखिएगा रीजनरेटिव फार्मिंग का पार्ट है ठीक है तो ये किसका पार्ट है अब आता है हमारा ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड है इकॉनॉमी से रिलेटेड है आइए देखते हैं और आप लोग अपनी शीट में, hope, भर रहे हैं सारे आंसर यहां पर बात कर रहे हैं बहुत न्यूज में रहता है

एंड पुट इट इन टू शॉर्ट टर्म रिस्कियर एसेट्स इज इंडिकेटिव रिसेसिमी है ना तो यह क्या सही में है दोनों स्टेटमेंट सही है तो हमें पता चलेगा यहां पर कि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है क्योंकि रिसेशन टिपिकली इन्वॉल्व दउटपुट एन एन इकॉनमी कॉन्ट्रेक्टिंग फॉर एटलीस्ट टू कंजिक क्वार्टर अलॉन्ग विद जॉब लॉसेज एंड

और ओवरऑल डिमांड जो है उसमें कमी आ रही है तो इसका मतलब याद रखिएगा रिसेशन है ठीक है व्हेन इन्वेस्टर्स फील बोए अबाउट द इकॉनमी जब उनको लगता है इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा क्या है रिस्की है उथल फुथल हो रहा है इकॉनॉमी में दे पुल मनी आउट ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स एंड पुट इट टू शॉर्ट टर्म रिस्कियर एसेट सच एज स्टॉक मार्केट इट इंडिकेट्स एन एक्सपेंशन ऑफ इकॉनॉमी ठीक है तो यह एक्सपेंशन बता रहा है इकोनॉमी का है ना मतलब कि इकोनॉमी में लोगों को भरोसा हो रहा है वो क्या कर रहे हैं इसमें आपका क्या कर दे रहे हैं आप, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली इफ इन्वेस्टर सस्पेक्ट दैट इकोमी इज हेडिंग फॉर ट्रेवल दे विल पुल आउट मनी फॉर फ्रॉम शॉर्ट टर्म रिस्की एसेट्स तो अगर उनको लगेगा कि नहीं भैया मार्केट खराब होने वाली है तो लॉन्ग टर्म में डाल दो पैसा शॉर्ट टर्म में तो पैसा डूब जाएगा सच एज स्टॉक मार्केट तो स्टॉक मार्केट वो निकाल लेते हैं एंड पुट इट इन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स तो जो बॉन्ड होते हैं पंद्रह साल के बीस साल के उसमें पैसा डाल देते हैं ठीक तो है दिस कॉज इज द प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स टू राइज एंड दे यील्ड टू फॉल ठीक है तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड जो होता है जब मार्केट आपकी डाउन होती है तो जो बॉन्ड में आपको परसेंटेज मिल रहा होता है कि इतना पैसा लगाओ तो बॉन्ड आपको बॉन्ड में पैसा मिलेगा आठ परसेंट दस परसेंट बारह परसेंट पांच परसेंट चार परसेंट उसमें हमेशा कमी आएगी चार परसेंट हो जाएगा तीन परसेंट हो जाएगा बॉन्ड में आपके कमी आएगी क्यों क्योंकि लोग जानते हैं बॉन्ड वाले समझ जाते हैं कि अब लोग इसी में पैसा लगाएंगे सेफ मार्केट के समझ के हैज लॉन्ग बीन रियलाइबल प्रोडक्शन ऑफ सेशन इन यूएसए ठीक है तो सेकेंड ऑप्शन भी आपका क्या है गलत है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों ऑप्शन जो है आपके गलत है ठीक है यहां पर कंजेकेटिव ईयर नहीं होना चाहिए यहां पर कंजेकेटिव क्वार्टर्स होना चाहिए यहां पर क्या होना चाहिए कंजेकेटिव क्वार्टर्स uh, आपका होना चाहिए कि कंजेकेटिव क्वार्टर्स में यहां पर क्या हो रहा है कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में आपका लॉस आ रहा है तब है रिसेशन और यहां पर यहां पर रिसेसिव इकॉनमी की बात नहीं होती है ये ये आपका क्या होता है एक्सपेंशन होता है जब इकॉनमी में हमारी इकॉनमी बूम करती है जब बेसिकली बूम करती है उसमें ऐसा होता है तो दोनों स्टेटमेंट गलत मतलब कि नीदर वन नॉट टू डी ऑप्शन आपका सही है ठीक है

एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स आर एन लिस्टेड अंडर दूल्ड ट्राइब लिस्ट ठीक है उसके बाद अंडर दीड इसकी एम्पावरमेंट ऑफ डी एन टी है ना डीएन टीज इसकी मतलब यहां पर आप देख रखे हैं सीड स्कीम क्या है सीड क्या है अंडर सीड स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावर्ड एम्पावरमेंट ऑफ डीएन टीज स्कीम फ्री कोचिंग विल बी प्रोवाइडेड टू डी एन टीज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन इंजीनियरिंग एम बी एक्सेट्रा ठीक है यहां पर यह बोल रहा है सेकेंड में उसके बाद यहां पर क्या है डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड एंड सेमी नोमैडिक कमिटीज ठीक है वॉज कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन दिकमेंडेशन ऑफ द इडेट कमीशन ऑन द इडेट कमीशन तो आइए इसमें देख लेते हैं कि क्या सही होगा यहां पर डीएनटीज आर कैटेगरीज अंडर इधर दी एस टी और ओबीसी लिस्ट पहली चीज तो सो स्टेटमेंट वन इज डी ओबीसी लिस्ट में आपके आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या क्या है 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 इसका मतलब ये है कि पहला statement आपका क्या है? पहला आपका आपका गलत है. ठीक है फिर इसके बाद द एम ऑफ सीड स्कीम इज टू प्रोवाइड फ्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोचिंग हेल्थ इंश्योरेंस हाउसिंग असिस्टेंट एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव इसका मतलब आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट एन अमाउंट ऑफ टू थाउजेंड करोड़ फॉर दिस स्कीम एंड विल बी स्पेंड ओवर फाइव इयर्स फ्रॉम 2021 टू 2022 टू 25 एंड कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सी भीकू राम जी आईडेट दिस कमीशन है बेस्ड ऑन द नेशनल कमीशन रिकमेंडेशन द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक नोमैडिक सेमी कम्युनिटीज इन तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है सेकेंड स्टेटमेंट आपका सही है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत है ठीक है तो यहां पर टू एंड थ्री आपका सही है मतलब सी ऑप्शन जो है आपका क्या है सी ऑप्शन सही है अब यहां पर बात करें हम लोग तो यहां बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइक्लोन के बारे में बात हुई है अब यहां पर क्वेश्चन आया साइक्लोन के बारे में फॉर अ साइक्लोन टू बिकम अ बॉम साइक्लोन अभी आपने न्यूज में सुना होगा बॉम साइक्लोन ठीक है इज रैपिडली द प्रेशर ड्रॉप इन लो प्रेशर मास बायलीस्ट ट्वेंटी फाइव मिली बार इन ट्वेंटी फोर आवर्स यहां पर बोल रहे हैं कि एकदम से लो प्रेशर हो जाए और कितना लो प्रेशर हो जाए तो बाय एटलीस्ट ट्वेंटी फाइव मिली बार ट्वेंटी फाइव एम बी प्रेशर जो है चौबीस घंटे के अंदर कम हो जाए तो आपका बॉम साइक्लोन आ जाता है जो साइक्लोन है उसमें एकदम से अगर और ज्यादा आपका क्या होता है डिप्रेशन आता है मतलब कि कमी आती है तब ऐसा बोल रहे है। हैं सही है कि गलत है बॉम्ब साइक्लोन जनरली अकर ड्यूरिंग समर विद इंटेंस हीटिंग ऑफ ओशन सरफेस ठीक है यहां पर याद रखिएगा कि बोला जा रहा है कि ये समर में होता है तो देखते हैं हम लोग चलो अभी समर चल रहा है कि नहीं वॉट डिफाइन अ बॉम्ब साइकिल इज हाउ रैपिडली द प्रेशर ड्रॉप इन दी लो प्रेशर मास बायटलीस्टेंटी फाइव ट्वेंटी फोर मिली बार इन ट्वेंटी फोर आवर्स इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका सही है दिस क्विकली इंक्रीज द प्रेशर डिफरेंस जिसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट हाई प्रेशर माइनस लो प्रेशर दोनों के बीच में अंतर आ जाता है बिटवीन द टू एयर मासेस देर फॉर मेकिंग द विंडर This process of rapid intensification has even more ferocious-sounding names as bomb genesis, bombogenesis. ठीक है इनका नाम बॉम्बोजेस भी होता है ठीक uh, cyclones साइक्लोस जनरली अकर ड्यूरिंग कोल्डर मंथ्स, बिकॉज साइक्लोन्स अकर ड्यू टू कोल्ड एंड वॉर्म एयर मीटिंग्स ठीक है तो यहां पर बहुत ठंडा आपका क्या होना चाहिए बहुत ठंडा पानी होना चाहिए और बहुत गर्म पानी होना चाहिए दोनों में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा तभी आपका बॉम्ब साइक्लोन आएगा ड्यूरिंग द समर देर इज जनरली नॉट मच कोल्ड एयर ठीक है अक्रॉस दर विच मीन साइक्टमेंट सेकंड आपका गलत है एक स्टेटमेंट आपका सही है which means पहला स्टेटमेंट ये ये जो होता है कब होता है विंटर्स में होता है याद रखिएगा क्योंकि आपका अगर प्रेशर डिफरेंस होना है तो प्रेशर डिफरेंस से पहले टेम्परेचर डिफरेंस होना बहुत जरूरी है कोल्ड एयर आपको विंटर सीजन में मिलेंगी कोल्ड एयर आपको समर सीजन में मिलेंगे नहीं समर सीजन में यह नहीं होता है बॉम्ब साइक्लोन नॉर्मली नहीं आ सकता है आपका अब बात करते हैं हम लोग यहां पर अगेन ठीक है यहां पर एक आप शब्द आया है पर्स सेनी ठीक है या पर्स सीन भी बोलते है इसको यह जो है यह क्या मालवेयर है क्या यह एक एंडेमिक स्पेशीज है जो कि डिस्कवर हुई है अंडमान एंड निकोबार में या कोई ये फिशिंग टेक्निक है या ये कोई आपकी वैरायटी है जो मेटेलिक नोड्यूल्स वाली है तो यहां पर हमको पता चलेगा कि प्योर सीन क्या है प्योर सीन यूज इन दी ओपन ओशन टू टारगेट डेंस स्कूल स्पीशीज पेलेजिक है ना मिड वाटर फिश लाइक टूना एंड ठीक है तो ये याद रखिएगा पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये क्या है एक फिशिंग टेक्निक है ठीक है ये क्या है ये एक फिशिंग टेक्निक है और ये फिशिंग टेक्निक जो है ये कब यूज हो रही है ये आपके यूज होती है टूना और मैके सीन फ्लोट्स Along the top line with a lead line threaded through rings along the bottom. Once a school of fish is located, a skiff encircles the school with the net. The lead line is then pulled in pursuing the net close on the bottom, preventing fishes from escaping by swimming downwards. It is prohibited by several states and union territories, including Tamil Nadu, Kerala, Puducherry, Odisha, Dadra, Nagar, Haveli, Damanindu, Andaman, and Nicobar Islands, in their respective territorial water up to ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स ठीक है तो बारह नॉटिकल माइल्स थे ये जो फिशिंग टेक्निक है जिसको बोलते हैं क्या पर्स सीन तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है पर्सिंग होता है है ना पर्सिंग जो है टेक्निक है यहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इस तरीके से ये फ्लोट लाइन है ये फ्लोट लाइन है यहां पर आपकी पर्स रिंग यहां पर आपने क्या करा यहां पर आपने पर्स रिंग जो है पर्स रिंग को यहां पर आपने डाल दिया ये क्या है हमारा रिंग है ऐसे लटका हुआ है है इसके बीच में से यहां भी लाइन लाइन है आपकी ठीक है यहां भी रिंग है और यह आपकी यहां पर है और इस तरीके से क्या करा नेट को आपने डाल दिया नेट मछलियां इसके अंदर जैसी आई आपने जाल को क्या करा जाल को आपने इस तरीके से उठाना स्टार्ट हुआ तो नीचे वाला बॉटम बंद रहेगा और इस तरीके से आपकी मछलियां यहां पे ट्रैप हो जाएंगी तो बेसिकली पर्सिंग क्या है फिशिंग टेक्निक आपकी है ठीक है अब यहां पर क्वेश्चन आ रहा है न्यू ईयर फेस्टिवल न्यू ईयर आपका आ रहा है और न्यू ईयर में बहुत जगह पे फेस्टिवल होते हैं तो देखिए क्या लोसार फेस्टिवल राजस्थान से रिलेटेड है जूड शीतल है ना जिसे जूड शीतल बोलते हैं वो क्या बिहार से रिलेटेड है और विशु क्या केरला से रिलेटेड है क्या है यहां पर कितने पेयर आपके सही हैं अपने आंसर को लॉक कर दो क्योंकि यहां पर आपको पता होने वाला है क्या कि जो आप देखते हैं लोसार फेस्टिवल वो कहां पर हो रहा है लद्दाख में सेलिब्रेट होता है ये तिब्बतीय न्यू ईयर है न्यू ईयर जो बोलते हैं हम जिसको वो लद्दाख में है जोध शीतल जो, जो मैथिली न्यू ईयर होता है वो बिहार में आपका होता है तो बिहार वाला सही है और विशु जो है विशु एक न्यू ईयर फेस्टिवल है कहां पर केरला में है ठीक है तो आप इस तरीके से कह सकते हैं ये सही है आपका ये सही है जबकि यह राजस्थान ना होकर क्या होना चाहिए था इसको लद्दाख होना चाहिए था ठीक है तो यहां पर यह वाला स्टेटमेंट सही है दो स्टेटमेंट आपके पेयर सही है तो करेक्टली मैच पूछा है तो यहां पर आपके क्या है ओनली टू आर करेक्टली मैच ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपका सही है अब हम लोग बात करते हैं यहां पर किसके बारे में लार्जर ग्राउंड मार्किंग क्रिएटेड ऑन दी अर्थ सर्फेस मेड यूजली बाय ट्रेंचिंग और क्लियरिंग अवे रॉक्स एंड लेयर ऑफ सॉइल इन पैटर्न और लाइन

जियोग्लिफ्स कहते हैं या इनको एलियन कार्विक कहते हैं या इनको पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं तो यहां पर आपको आंसर बता दूं मैं जियोग्लिफ्स कहते हैं इनको ये हैंडमेड फीचर है क्रिएटेड ऑन द सरफेस क्रिएटेड ऑन सरफेस ऑफ दर्थ दीज क्लियरिंग सैंड स्टोन एंड समाइम एडिंग स्टोन दिस क्रिएट्स अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फिगर एंड द ग्राउंड एनहेंसिंग विजिबिलिटी ठीक है पेट्रोग्लिफ्स के बारे में अगर हम लोग बात करें पेट्रोग्लिफ्स आर मेड बाय स्क्रैचिंग चिपिंग एट रॉक सर्फेसिस और पिक्टोग्राफ क्या होता है पेंटेग्रॉड सर्फेस होते हैं आपके. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा जियोग्लिफ ठीक है और यह हैंडमेड होता, होता है basically. इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं यह ट्वेंटी एथ क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें कह रहा है तो ग्रीन मेथेनॉल के बारे में बोला है कि हो सकता है मे बी बायोमेथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन कैप्चर्ड सीओ टू एंड रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी ठीक है तो ग्रीन मेथोनॉल के बारे में यह बात बोली जा रही है यह बायोमेथेनॉल हो सकता है ठीक है मे बी बायोमेथेनॉल प्रोड्यूस मीथेन इज अ मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन सीओ टू तो ये आप जानते ही हैं मेथनॉल प्रोड्यूसिस मोर एनर्जी देन एथेनॉल वेन यूज एज फ्यूल तो इसके बारे में भी हम लोग पिछली बार बात कर चुके हैं तो आपको यहां याद होगा कि जो हमारा थर्ड uh, स्टेटमेंट है गैस वेयर हैज मेथनॉल हैज लेस देन हाफ ठीक है ethanol. Ethanol gas, तो पहला जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है जो थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है यहां पर क्या मेथनलॉल प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन एथेनॉ वे यूज एज फ्यूल तो यह स्टेटमेंट गलत है मेथनॉल ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता है ठीक है आ, इसके बाद आपका जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है क्या सेकंड स्टेटमेंट मीथेन ट्रैप्स 36 सिक्स टाइम्स मोर हीट इन दी एटमोसफेयर टू ओवर हंड्रेड इस इसलिए स्टेटमेंट टू आपका क्या है स्टेटमेंट टू आपका सही है मीथेन में ज्यादा पोर्टेंट है वो ग्रीन हाउस गैस की तरह ज्यादा पोर्टेंट है ग्रीन मेथनॉल इज अ लो कार्बन फ्यूल दैट कैन बी मेड फ्रॉम ईदर बायोमास गैसिफिकेशन और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी और कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड तो स्टेटमेंट थर्ड भी आपका क्या है सही है इसका मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट सही दूसरा स्टेटमेंट सही तीसरा स्टेटमेंट गलत इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा और टू ठीक है आंसर हमारा हो जाएगा और ठीक है तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे क्या हमारा ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन को देखेंगे ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है यहां पर ही बोलता है प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोम्यूलगेट एनी ऑर्डिनेंस ओनली अंडर आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री ठीक है तो यह बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रोम्यूल गेट एनी ऑर्डिनेंस अंडर आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री तो यह क्या सही है एनी ऑर्डिनेंस ऑर्डर बाय लॉ रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम और एक्ट कम्स अंडर दफ लॉ डिस्क्राइब इन आर्टिकल थर्टीन ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन तो यहां पर देखते हैं दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है और दोनों स्टेटमेंट को जब हम देखेंगे तो यहां पता चलेगा कि पहला स्टेटमेंट जो हमारा है वो गलत है ठीक है आर्टिकल 77 सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कैन मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ दी सेट बिजनेसिस ठीक है आर्टिकल ट्वेंटी किसके बारे में बात करता है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री ग्रांड्स द प्रेजिडेंट सर्टेन लॉ मेकिंग पावर्स टू प्रोम्युगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग दी रेसेस ऑफ पार्लियमेंट तो पार्लियामेंट जब नहीं चल रहा है उस समय उसको क्या है ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति मिल जाती है आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री से तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट इन करेक्ट सॉरी आर्टिकल थ्री क्लॉज थ्री का ए पार्ट इंक्लूड एनी लॉ इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस ऑर्डर बायोज रूल रेगुलेशन नोटिफिकेशन कस्टम और यूसेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द फोर्स ऑफ लॉ तो ये सारी चीजें लॉ के डेफिनेशन में आती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट right स्टार्ट होने से ठीक पहले आर्टिकल 13 में दिया हुआ है आर्टिकल 20, 12 में दिया हुआ है कि व्हाट इज स्टेट नेशन क्या होता है स्टेट क्या होता है और आर्टिकल 13 में लॉ के बारे में दिया हुआ है तो यहां बी ऑप्शन आपका सही होगा

With रशिया इटली डेनमार्क एंड नेपाल तो इंडिया में लगता है आपको ई e स्पोर्ट्स सबसे पहले देंगे इससे पहले हो चुका है यूक्रेन ऑफिशियली स्पोर्ट्स एज ए स्पोर्ट्स इन सेप्टेंबर 2020। रिसेंटली रिसेंटली प्रेसिडेंट इन दाइज ऑफ पॉर्स बाय क्लॉज थ्री ऑफ द आर्टिकल 77 सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडेड द रूल गवर्निंग ई स्पोर्ट्स एंड आज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू इंक्लूड ई स्पोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है ना लेकिन इंडिया से पहले भी हो चुका है ई स्पोर्ट इज एशियन गेम हेल्ड इन 2023 तो ई e स्पोर्ट जो है एक मेडल स्पोर्ट गेम होने वाला है एशियन गेम जो हो रहा है उसमें तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या है सही है तो बी ऑप्शन सही है इसका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनआरसी वाज फर्स्ट क्रिएटेड आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉर नाइनटीन टू आइडेंटिफाई दोज आइडेंटीफाइड इन इंडिया एंड माइग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश तो देखते हैं एनआरसी ठीक है टास्क टू कंडक्ट एनआरसी वॉज डन बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ठीक है थर्ड यहां पर कह रहा है एट प्रेजेंट ओनली असम है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ सिटीजन ठीक है तो यहां पर आप देख लीजिए आप देखेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है केवल असम है असम के पास ऐसा केवल रजिस्टर है ठीक है फर्स्ट स्टेटमेंट पे आएंगे तो एनआरसी वॉज फर्स्ट क्रिएटेड इन नाइनटीन होम अफेयर इतना तो हम देखते है यार, है ना? कौन आ रहा है कौन सा नेता आ रहा है तो इतना तो हमें मालूम होना चाहिए तो याद रखिएगा दूसरा स्टेटमेंट भी आपका क्या है गलत है तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा स्टेटमेंट गलत है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन नहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम में आता है, याद में हुआ था आंसर ठीक है अब आप देखते हैं जल्दी से विद रेफरेंस टू प्रलय मिजाइल न्यूज में रहा है प्रलय फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रलय मिजाइल प्रोजेक्ट इज अवेटिव ऑफ दिजाइल प्रोग्राम तो ये बोला है डेरिवेटिव है प्रहार मिसाइल प्रोग्राम का क्या वास्तव में डेरिवेटिव है प्रलय मिसाइल इज इंडिया की एबिलिटी टू चेंज इट्स कवरिंग सर्टेन रेंज इन मिड एयर तो क्या सही में ऐसा है तो देखते हैं हम लोग यहां पर तो हमें पता चलता है कि प्रलय मिसाइल प्रोजेक्ट वाज सैंक्शन इन 2015

और ये लार्जली बलिस्टिक है इसलिए फ्लाइट में मेनूवर कर सकता है तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी सही है इट इज इट हैज एबिलिटी टू चेंज इट्स पाथ आफ्टर कवरिंग अ सर्टेन रेंज इन मिड एयर एंड इज आल्सो एबल टू डिफीट इंटरसेप्टर मिसाइल तो याद रखिएगा ये इंटरसेप्टर मिजाइल होती है उनको भी यह डिफीट कर देता है मतलब कि तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है सही है और तीनों स्टेटमेंट सही है तो डी ऑप्शन आपका सही है वन टू एंड थ्री ठीक है इसके बाद हम लोग बात करेंगे कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अनलाइक प्रेजिडेंट इफ अ बिल इज प्रेजेंटेड टू गवर्नर आफ्टर रिकंसिडरेशन ऑफ ऑफ द लेजिस्लेचर देन गवर्नर कैन तो प्रेसिडेंट आपका दोल नहीं कर सकता है ये विद्रोल कर सकता है ऐसा बोलने लिमिट फॉर रिकंसिडेशन ऑफ एनी बिल बाय द स्टेट देशन इज सिक्स मंथ द स्पीकर मस्ट एक्ट ऑन डिस्कालिफिकेशन पिटिशन अगेंस्ट द डिफेक्टिंग एम विद इन अ रीजनेबल टाइम दैट इज थ्री मंथस तो यहां पर यह बातें कही गई हैं अलग अलग बातें कही गई हैं तो आइए इनको देखते हैं हम लोग यहां पर याद रखिएगा कि आर्टिकल 200 में इफ बिल इज पास अगेन अगेन बाय द लेजिस्लेचर विद और अमेंडमेंट एंड प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर असेंट द गवर्नर शेल नॉट विद होल्ड असेंट देयर फ्रॉम ठीक है प्रोवाइडेड फर्दर दैट गवर्नर शेल नॉट असेंड टू बट शैल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट ठीक है बस यह याद रखिएगा आप ठीक है तो स्टेटमेंट आपका क्या है गलत है क्योंकि यहां पर क्या बोल रहा है यहां पर बोल रहा है कि यह विदहोल्ड कर सकता है ठीक है इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे सेकेंड स्टेटमेंट हमारा तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल टू जीरो बिल इज रिटर्न बिल इज रिटर्न जब बिल रिटर्न हो जाता है असेंबली शैल रिकंसिडर इट अकॉर्डिंगली विद इन अ पीरियड ऑफ सिक्स मंथस फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीफ्ट ऑफ सच मैसेज तो स्टेटमेंट आपका क्या है सही है पीरियड कितना है सिक्स मंथस है ठीक है इन केश्याम मेघचंद्र सिंह वर्सेज दीकर मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ट्वेंटी ट्वेंटी केस ऑन एंटी डिफेक्शन लॉ द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द स्पीकर मस्ट एक्ट ऑन डिसक्वालिफिकेशन पिटिश अगेंस्ट द डिफेक्टिंग एम एल एज विद इन अ रीजनेबल टाइम दैट इज

कि आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है आर्टिकल वन टू फोर का क्लॉज टू एंड आर्टिकल टू वन सेवन का क्लॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एट प्रेजेंट होल्ड देयर ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ सिक्स एंड सिक्स रेस्पेक्टिवली तो पहला स्टेटमेंट सही है अगर सुप्रीम कोर्ट का जल है पैंसठ साल हाई कोर्ट का है तो बासठ साल द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस वॉज फिक्स एट सिक्सटी बाई असेंबली

कॉन्टेक्स ऑफ रिवर पॉल्यूशन कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट देंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी बायो केमिकल ऑक्सीजन मिलीग्राम पर लीटर इज आइडेंटिफाइड एज अ पॉल्यूटेड लोकेशन इन द रिवर तो अगर जो हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन की जो डिमांड है रिवर में ठीक है तो अगर वो इंक्रीज एक्सीड कर जाए कितना

ंडर दरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी ठीक है तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग पहला स्टेटमेंट कहता है रीसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द नंबर ऑफ पॉल्यूटेड वन इन टू थाउजेंड हैज फॉलन फ्रॉम वन इन 2018 टू 311 इन 2022 और हो सकता है इसमें बहुत बड़ा योगदान कोरोना का भी रहा हो दो नंबर ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट इज प्रैक्टिकली अनचेंज तो जो पॉल्यूटेड थे वो अभी भी हैं ठीक है स्ट्रेच जो था वो अभी भी है हालांकि जो हमारे रिवर्स हैं उनकी संख्या थोड़ी कम हुई है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एक्सीडिंग थ्री मिलीग्राम पर लीटर मतलब मिलीग्राम पर लीटर इज आइडेंटिफाइड एज अ पोल्यूटेड लोकेशन तो आपका स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है टू और मोर पोल्यूटेड लोकेशन आइडेंटिफाई ऑन अ रिवर इन या कंटिन्यूस सीक्वेंस आर कंसिडर्ड अदलूटेड रिवर स्ट्रेच तो ये भी सही है ठीक है याद रखिएगा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ स्टैचूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विच वॉजटीन सेवन अंडर दर से वॉटर एक्ट अंडर दॉर एक्ट नाइनटीन सेवन सीपीसीड विद पॉवर एंड फंक्शन अंडर दिन ठीक है तो याद रखिएगा कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वह आपका क्या हो गया गलत हो गया थर्ड स्टेटमेंट क्या है 1986 नहीं है ठीक है और यह आपका एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा नहीं बना हुआ है ठीक है बना है 1974 में वाटर एक्ट 1974 के तहत ठीक है तो आप याद रखिएगा थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है एनवायरमेंट एक्ट से यह नहीं बना हुआ है ठीक है चलिए तो हम लोग देखते हैं अब आगे आंसर विद रेफरेंस टू बॉम्ब साइक्लोन कम से फॉलोइंग स्टेटमेंट तो बॉम्ब साइक्लोन को हम लोग को बहुत ज्यादा प्यार है हम लोगों ने फिर से एक बार इसको इंक्लूड कर दिया है अब स्टॉम इज अड ऑफ टेम्परेट साइक्लोन ड्यू टू बॉर्म एयर मास मूविंग बिलो कोल्ड एयर मास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्रॉप रैपिडली बॉम्ब साइक्लॉन कैन डेवलप ऑन लैंड एज वेल एज ए डी सी ठीक है तो देख लेते हैं यहां पर यहां पर याद रखिएगा इन दू एस एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन है ठीक है बॉम्ब साइक्लॉन इज फॉर्म्ड वेन कोल्ड एंड ड्राई एयर मास लाइड विद वॉर्म एयर मासिज एस दॉर्म एयर मासस राइज इट क्रिएट अ क्लाउड सिस्टम लोअरिंग एयर प्रेशर एंड फॉर्मिंग अस्ट्रॉम सर्कुलेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज अराउंड लो प्रेशर एरिया काउंटर क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि यह नॉर्दर्न एमोस्फेयर में हो रहा है सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इन करेक्ट द बॉम्ब साइक्लोन विल बी कैरेक्टराइज बाय कोल्ड विंड विच आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पिकअप एंड विंड चिल टेम्परेचर ड्रॉप टू डेंजरस लोज फार बिलो जीरोन मिनट्स अबियर ओवर लैंड एज वेल एज एज दी एन आर मोस्ट कॉमन बिटवीन लेट ऑटम एंड अर्ली स्प्रिंग ट्रॉपिकल एयर बम्स बम्स अप अगेंस्ट दिजिट आर्टिकल तो आपका आर्टिकल जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट हमारा यहां पर गलत है और थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहां पर क्या है सही है ठीक है इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारे दो स्टेटमेंट आपके सही आपको मिल जाते हैं ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं बॉम साइक्लोन के बारे में बात कही हुई है ठीक है बॉम साइक्लोन के बारे में समझाया हुआ है कि दीज क्विकली इंटेंसिफाइंग स्टॉम्स कैन कॉज ब्लिजर्ड सिवियर थंडर एंड एंडी प्रेसिपिटेशन तो जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है बॉम साइक्लोन का ठीक है फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर आप देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज नंबर वन यहां पर क्या हो रहा है इस समय आप देख रहे हैं एयर यहां पर ठीक है ये एयर है अब वॉर्म एयर मास कोलाइड विद कोल्ड एयर मास सच एज एयर ओवर वॉर्म ओशन वाटर्स तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या है यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका यूएसए है दिस इज यूएसए है ना हो क्या रहा है कि जो हमारी वॉर्म एयर मास है वो कोल्ड एयर मास के साथ क्या कर रहा है कोल्ड एयर मास के साथ कोलाइड कर रहा है और ये जो एयर है एयर वॉर्म ओशन वाटर्स है ना मतलब गर्म जो ओशन वाटर है वहां से एयर है मास तो होता है थर्ड देख, तो देख सकते हो एटमोस्फेरिक प्रेशर रेपिडली ट्वेंटी फोर आवर्स में आपका कितना हो रहा है 24 फोर मिलीग्राम है ना आपका क्या हो जा रहा है आपका मिली बार सॉरी 24 फोर मिली बार आपका जो है वो प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है और उसकी वजह से यहां पर क्या बन रहा है यहां पर आप देख सकते हैं एंटीसाइक्लोनिक लो प्रेशर बन जाता है तो बहुत बहुत तेजी के साथ टेम्परेचर आपका कम हो जाता है यह टेम्परेट जगह पर हो रहा है अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं अपने थर्टी और ये देखते हैं क्या बात करता है ये बात कर रहा है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रेमेज फैसिलिटीज एट भद्र टेंपल्स ठीक है डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रमेज फैसिलिटीज एट भद्र चलम टेम्पल इज डेवलप्ड अंडर द नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट एंड ऑर्गमेंटेशन योजना ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट तो यहां पर बोला है कि जो प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रमेज फैसिलिटीज कहां पे भद्र चलम टेम्पल पे वो किसके अंडर है वो अंडर है नेशनल हेरिटेज डेवलपमेंट के और ऑर्गमेंटेशन योजना ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की ऐसा बोला जा रहा है सेकेंड है द रामप्पा टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिवा वॉज बिल्ड बाई रूलर्स और थर्ड स्टेटमेंट है रुद्रेश्वर टेम्पल इंस्क्राइब ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ठीक है तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं पहला आप यहां पर याद रखिए पहली चीज याद रखिएगा कि रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज फैसिलिटी एट भद्रचलम ग्रुप ऑफ टेंपल्स इन तेलंगाना इन तेलंगाना हैज हाँ बीन लेड बाय द प्रेसिडेंट ठीक है अनदर प्रोजेक्ट नेम डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रमेज एंड हेरिटेज इंफ्रास्ट्रक्चर एट रुद्धेश्वर या रामपा टेंपल वॉज ऑल्सो लेड लेटर ऑन बोथ दीज प्रोजेक्ट हैव बीन अप्रूव अंडर द प्रसाद स्क्रीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ठीक है तो स्टेटमेंट वन आपका क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा क्यों क्योंकि यह किसके अंडर है यह प्रसाद स्कीम के अंडर हो रहा है है ना ये प्रसाद स्कीम के अंडरगर ये काम कर रहा है द रामप्पा टेम्पल ऑफ लॉर्ड ब्रिलियंस वॉज बिल्ट इन ट्वेंटी हेरिटेज लिस्ट ठीक है तो ये याद रखिएगा आप आपका ये थर्ड और सेकंड जो है वो एकदम करेक्ट है ठीक आगे बढ़ते हैं हम लोग बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मतलब द कफ सिरप्स कंटेन ग्लिसरीन और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं जो आपका कफ सिरप है कफ सिरप क्या होता है, है और या इसमें होता है। to तो देख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट में आपको आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट जो आपके हैं ये सही नहीं है मतलब कि इसमें एक स्टेटमेंट सही है गलत है कॉमन सॉल्वेंट्स सच एज ग्लिसरीन और एंड प्रोपिलीन ग्लाइकोल आर यूज्ड इन कफ सिरप टू प्रोवाइड अ लिक्विड बेस्ड टू नॉन वॉटर सोल्यूबल बेसिकली आप कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट आपका सही है यहां पर ग्लिसरीन यूज होता है ग्लिसरॉल यूज होता है या प्रोप्लीन ग्लाइकॉल यूज होता है कफ सिरप में अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ डी ग्लाइकोल एंड एथिलीन ग्लाइकोल आर टॉक्सिक टू ह्यूमन And can be fatal if consumed. The WHO in October flagged the presence of ethylene glycol and diethylene glycol as the toxic contaminants in four cup syrup samples made by Maiden Pharmaceuticals, Haryana, that are reportedly linked to the deaths of 70 children in the Gambia. तो गैम्बिया में जो है सत्तर लोगों की जान चली गई किसकी वजह से क्योंकि यहां पर मेडन फार्मास्यूटिकल जो हरियाणा की है उसने कफ सिरप बनाया और कफ सिरप में क्या था एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल था तो याद रखिएगा कि एथिलीन ग्लाइकोल या डाई एथिलीन ग्लाइकोल आपका डेंजरस है केवल आप यहां पर क्या यूज कर सकते हैं प्रोपलीन ग्लाइकोल यूज करते हैं है ना तो डाई एथिलीन ग्लाइकोल या डाई एथिलीन ग्लाइकोल की जगह क्या यूज करना है प्रोपलीन ग्लाइकोल या ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन ठीक है तो यहां पर यह चीज याद रखिएगा कि सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या है सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है इट इज टॉक्सिक ठीक है डेंजरस है इट कैन बी फैटल सत्तर लोग मर गए गैम्बिया में ठीक है चलिए आपका पहला स्टेटमेंट सही मतलब आंसर ए आपका सही होगा ट्रेडमार्क से अगर हम लोग बात करें ट्रेडमार्क के संबंध में तो याद रखिएगा ट्रेडमार्क इज अ डिस्टिंक्टिव साइन और इंडिकेटर यूज्ड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्टिंग्विश इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेस फ्रॉम दो ट्रेडमार्क जो है ट्रेडमार्क रजिस्टर इन इंडिया इज वैलिड फॉर टेन ईयर ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग एंड एप्लीकेशन एं तो थर्ड सेकंड स्टेटमेंट यह बोल रहा है थर्ड स्टेटमेंट आखिर बोल रहा है ट्रेडमार्क कैन नॉट अपलाई कैन नॉट अप्लाई टू रिन्यू द्क ठीक है तो यहां पर तो यार यार देख के ही पता चल रहा है क्या कि यहां पर देख के ही पता चल रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट तो पहले ही गलत होगा ट्रेडमार्क कैन बी रिन्यूड इन जितनी बार करना चाहो यार क्यों नहीं हो सकता है मेरी मर्जी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इन इंडिया इज वैलिड फॉर टेन ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन तो सीख है भाई दस साल के लिए है जब आपने एप्लीकेशन फाइल करी तो करेक्ट है स्टेटमेंट दूसरा ट्रेडमार्क क्या है एक साइन है तो पहला स्टेटमेंट भी आपका क्या है सही है अब फोर्टीए क्वेश्चन पे आते हैं तो ये फोर्टीएथ क्वेश्चन बात करता है किसकी इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करता है अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज अ पैक्ट पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशन इन विच कंट्रीज कंप्लीटली एलिमिनेट टैक्सेस ड्यूटीज और कोटाज ऑन इंपोर्ट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ठीक है पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया साइन दी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं सेपा विद यू एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया इंडिया वॉज ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन ट्वेंटी ट्वेंटी तो देखते हैं यहां पर क्या स्टेटमेंट आपका सही है तो पहला स्टेट जो आपका ट्वेंटी ट्वेंटी था इंडिया वॉज ऑस्ट्रेलियाज सेवेंथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड सिक्स लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन तो ट्वेंटी ट्वेंटी में ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेडिंग पार्टनर इतना जंबा नहीं था दूसरी चीज यहां पर आपको समझना है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है एक पैक्ट है टू और मोर नेशंस के टू तो रिड्यूस बैरियर्स टू तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमंग देम एंड नॉट अमंगली टू कंप्लीटली एलिमिनेट देम ठीक है इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका क्या है गलत है ऐसा नहीं है कि आप इसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर रहे हैं है ना बल्कि क्या है ये टू तो रिड्यूस बैरियर्स टू तो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ठीक अंडर अ फ्री ट्रेड पॉलिसी गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी बॉट एंड सोल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर विद लिटिल और नो गवर्नमेंट टैरिफ लिटिल भी हो सकता है कम भी हो सकता है, या, हो सकता है ऐसी है आपके, उस कि कोई टैरिफ नहीं देना पड़ रहा या कोटा या सब्सिडी या प्रोहिबिशन तो टूटर एक्सचेंज तो आपका स्टेटमेंट वन जो है गलत है क्योंकि यहां पर यह है, यहां पर कह रहा है कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए बल्कि यहां पर यह कह रहा है क्या रिड्यूस करना है बेरियर को फिर आप देखेंगे इंडिया ऑस्ट्रेलियलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट ए म इन टू फोर्स ऑन डिसंबर ट्वेंटी इंडिया यू आई कॉम्प्रीह इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट दैट इज सी बिकेम इफेक्टिव फॉर मे ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो दोनों आप देख सकते हैं सही स्टेटमेंट है तो आपका याद रखिएगा कि पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए बोल रहा है कंप्लीटली मतलब जो है ना आपका क्या होता है एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कंप्लीटली पूरी तरीके से तो कंप्लीटली यहां पर शब्द लिखा है ना इसलिए गलत है है ना दूसरा यहां पर सेकंड स्टेटमेंट सही है और ये हमारा सेवेंथ लार्जेस्ट था तो यहां पर क्या है ओनली टू इज करेक्ट मतलब कि आपका बी ऑप्शन सही है बी ऑप्शन आपका सही है फोर्टी क्वेश्चन में देखते हैं कुछ यहां पर ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय फिल्टरिंग हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमोसफेयर तो क्या ऐसा होता है कि ग्रीन हाइड्रोजन डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से हम हाइड्रोजन फिल्टर कर ले रहे हैं इन हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल द सेम टेक्नोलॉजी इज यूज एज दी सी एनजी इंजन द ओनली डिफरेंस इज द फ्यूल तो बोल रहे हैं कि केवल और केवल सेम टेक्नोलॉजी है लेकिन फ्यूल आपका अलग हो रहा है क्या ऐसा है तो देखते हैं ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग वाटर बाय इलेक्ट्रोलिस यूजिंग पावर फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो पहला स्टेटमेंट क्या है गलत है ठीक है दूसरा स्टेटमेंट अ हाइड्रोजन पावर्ड वेहीकल और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जिसको बोलते हैं वेहीकिली एफ एफ यूज काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक मोटर टू टर्न द व्हील्स दैट अ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का नॉट सी एनजी ठीक है बट इट्स पावर्ड नॉट बाय अ लार्ज हैवी बैटरी बट अ फ्यूल सेल स्टैक इन विच प्योर हाइड्रोजन पासिस थ्रू अ मेमब्रेन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिसिटी दैट्स टर्न द व्हील प्लस वॉटर वेपर इट मीन दैट फ्यूल सेल व्हीकल इज टेक्निकली अज हाइब्रिड विच इज वाई दे आर समाइम्स क्लासिफाइड एज फ्यूल सेल हाइब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ठीक है तो आपका स्टेटमेंट टू भी क्या है टू भी गलत है ठीक है जहां पर ये बोल रहा है क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि यहां पर सेम टेक्नोलॉजी है जो सी में होती है बट ऐसा नहीं है ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है गलत है इसका नीदर वन नॉर टू ठीक तो है तो डी ऑप्शन आपका आंसर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट यहां पर आप याद रखिएगा यहां पर नेग्लेरिया पाउलरी ठीक है नेगलेरिया फाउलेरी इज नोन एज ब्रेन ईटिंग अमीबा एंड इज द ओनली वन ऑफ दी नेगलेरिया स्पेशीज ट कैन इन्फेक्ट ह्यूम यहां पर एक शब्द यूज हुआ है ओनली अब इस पर आएंगे हम सो फार नेगलेरिया फोलोरी हैज बीन फाउंड ओनली इन इंडिया एंड डिक्लेयर एज दाइमरी पैम इन इंडिया ठीक है मैनिंगो एनसेफलाइटिस पैम इन इंडिया ठीक है तो अमेबिक मैनिंगो एनसेफेलाइटिस जो हो रहा है वह इसकी वजह से हो रहा है तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप देखेंगे कि नेगलेरिया इज अमेबिया सिंगल साइड ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनली वन ऑफ इट्स स्पसीज कॉल्ड नेगलेरिया फोलेरी कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस, अकॉर्डिंग टू यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सी डी सी ठीक है तो स्टेटमेंट वन सही है इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव एंड इस कॉमनली फाउंड इन वॉर्म फ्रेश बॉडीज सच एज हॉट हॉट स्प्रिंग्स रिवर्स एंड लेक्स तो ये बेसिकली कहां मिलता है तो आपको जो फ्रेश वाटर बॉडी जो नॉर्मली आपका क्या होती है वार्म होती है गर्म होती है वहां मिलता है सो फार नेग्लिया फॉलेररी हैज बीन फाउंड इन ऑल कंटिनें एंड डिक्लेयर एज ए कॉज ऑफ पैम इन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया तो ये भी आपका गलत है ठीक है तो याद रखिएगा पहला केवल इंडिया में है अब आते हैं फोर्टी थर्ड में और फोर्टी थर्ड में हम यहां पर देखते हैं स्पेस मिशन है स्पेस एजेंसीज हैं तो यहां पर देखते हैं आर्टिमिस नासा का है ईसीए का है और जुपिटर आईसी बोन्स एक्सप्लोरर हमारा नासा का है ठीक है तो यहां पर आपको पता चलेगा कि जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोर जो है वो नासा का है o Rex, वो NASA का है, और Artemis, जो है, और जो तो मतलब ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच ठीक है अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ uh, क्वेश्चन के बारे में विच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजोल्व इंटर स्टेट डिस्प्यूट ठीक है कि कौन सा हमारा मेथड है जो कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट को हमारा रिजोल्व करता है ठीक है तो यहां पर आपको मैं बता दू यहां पर आपको बता दू यहां पर एक है क्या आपका ओरिजिनल कोर्ट या है क्या है यहां पर आर्टिकल टू सिक्सटी टू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इंटर स्टेट वॉटर्स आर्टिकल टू सिक्सटी थ्री इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल टू नाइनटी थ्री रिलेटिंग टू रिलेटेड टू बोरिंग बाय द सेंटर एंड और आठ यहां पर फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है प्रोविजंस रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटर कोर्स थ्रू आउट इंडिया तो यहां पर मैं बता दूं कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है तो ये सारे ऑप्शन आपके जो हैं ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं ठीक है ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं दोनों स्टेट्स के बीच में उसको हम क्या कर सकते हैं उसको हम सही कर सकते हैं तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा आंसर इज वॉट आंसर इज डी अब हम बात कर रहे हैं क्या विद रेफरेंस टू जी ट्वेंटी ग्रुप्स जी ट्वेंटी ग्रुप के बारे में समझ लो ब्राजील इज ओनली नेशन फ्रॉम साउथ अमेरिका दैट इज पार्ट ऑफ जी ट्वेंटी पहली चीज ये है इंडिया हैज नेवर होस्टेड अ मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी बिफोर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जी ट्वेंटी सम्मिट विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका ठीक है तो यहां पर अगर हम लोग देखें यहां पर अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन हमारा क्या सही है देखिए जी ट्वेंटी कंप्राइजेस अर्जेंटीना जो कि कहां से है साउथ अमेरिका से है ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कैनेडा चाइना ईयू फ्रांस जर्मनी इंडिया और इंडोनेशिया इटली जापान मेक्सिको रशिया सऊदी अरेबिया साउथ अफ्रीका साउथ कोरिया टर्की यूके एंड यूएसए तो यहां पर अर्जेंटीना भी है और ब्राजील भी है ठीक है तो एक कंट्री केवल नहीं है इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपका स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत है इंडिया होस्टेड और मीटिंग ऑफ जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स इन टू टू बट इंडिया फर्स्ट टाइम होस्टिंग दी जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी की हुई है यहां अगर लिखा होता जी ट्वेंटी होता जी ट्वेंटी सबमिट तो स्टेटमेंट सही था लेकिन यहां मीटिंग है तो यहां मीटिंग जो तो इससे पहले हम लोग होस्ट कर चुके हैं किस चीज की मीटिंग होस्ट कर चुके हैं तो यहां पर मीटिंग होस्ट कर चुके हैं हम लोग

फर्स्ट uh, स्टेटमेंट कह रहा है कि सर्वाइकल कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट इन द सेल्स ऑफ दी सर्विक्स लोअर पार्ट ऑफ दी एंड दैट कनेक्ट्स टू वजाइना इट मोस्ट इन पीपल ओवर एज थर्टी इट इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन इन इंडिया एंड कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स एनुअली इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पैपिलो पैपिलोमा वायरस एचपीवी जिसको हम बोलते हैं एचपीवी बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा

एच पी वी वैक्सीन कैन बी at स्टार्टिंग एट एज नाइन also एंड ऑल्सो एच पी वी वैक्सीन वैक्सीनेशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरी वन ओल्डर दैन द एज ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो ये आपको सभी एज ग्रुप्स में आपको नहीं मिलेगा तो इसका मतलब स्टेटमेंट केवल पहला वाला सही है आंसर एक सही होगा exercise of एक्सरसाइज ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज स्टार्टेड इन कंसिडर following स्टेटमेंट ठीक है अब यहां पर आपको जो हुआ है इसके बारे में समझिए द री एडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन स्टेट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट सेंसिस तो ये सही है क्या द डीलिमिटेशन प्रोसेस इज कैरीड आउट इन अकॉर्डिंग विद सेक्शन एट ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी दास्ट डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असम वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ 1971. ठीक है तो यहां पर हम देख के बता सकते हैं क्लियरली क्या कि हमारा स्टेटमेंट टू और थ्री क्या है ये हमारा सही है एज मैंडेटेड आर्टिकल वन सेवेंटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेंसेज फिगर्स ऑफ 2001 थाउजेंड वन शैल बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ री एडजस्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी इन दी स्टेट इसका मतलब क्या है इसका मतलब आपका ये स्टेटमेंट क्या है ये स्टेटमेंट आपका गलत है ठीक है लेटेस्ट सेंसेस नहीं है ठीक है एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट इसका होगा अब हम बात करते हैं यहां पर किसके बारे में ट्रिपल टेस्ट के बारे में ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला वॉज सजेस्टेड बाई द सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड ओबीसी रिजर्वेशन बहुत चर्चा में है इन अर्बन लोकल बॉडी यूएलबी एल बी इलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग चेक्स पार्ट ऑफ द्रिपल टेस्ट क्या क्या है ट्रिपल टेस्ट रिफर द मैटर टू दी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकमेंडेशन गुड नॉट गो बियोटल रिजर्वेशन लिमिट ऑफ फिफ्टी परसेंट ठीक है तो यह तीन स्टेटमेंट आपके यहां पर दिए हुए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आपका ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही है द ट्रिपल टेस्ट फॉर्मुला सजेस्टेड बाई सुप्रीम कोर्ट टू प्रोवाइड ओबीसी रिजर्वेशन इन अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन फॉर्मुला स्टेट्स दू अब ये फॉर्मूला क्या क्या चीज चाहता है स्टेट से इट इज नेसेसरी टू स्पेशल कमीशन टू कलेक्ट डेटा ऑन कंडीशंस, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल नेचर एंड इम्पैक्ट ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ ओबीसी इन लोकल बॉडी इलेक्शन इन दीक है तो यह डेटा के बारे में बात करता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकमेंडेशन दवर्नमेंट विल हैव टू गिव रिजर्वेशन ऑन अ प्रपोशनल बेसिस इन मुंसिपल एंड मुंसिपल इलेक्शन तो यहां पर बोला गया है कि जो म्यूंसिपल इलेक्शन होते हैं उनमें भी ओपीसी को प्रपोशन मिलना चाहिए रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड दैट द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर एस टी एस एस सी एस टी और ओबीसी शुड नॉट गो बियॉन्ड दी टोटल लिमिट लिमिट ऑफ फिफ्टी परसेंट ठीक है तो आप इस तरीके से अगर देखते हैं आप अगर इस तरीके से देखते हैं तो यहां पर क्या बोला है यहां पर यह बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट आपका क्या है पहला स्टेटमेंट आपका सही है ठीक है यहां पर बात करी गई जो सेकेंड स्टेटमेंट की हमारी ठीक है और जो आपकी बात कही गई है थर्ड uh, स्टेटमेंट की तो इसमें बोला है रिजर्वेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड द टोटल रिजर्वेशन ऑफ फिफ्टी परसेंट ठीक है जस्टा से यहां पर तो यहां पर बोला गया स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो कीप इन माइंड दैट द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर एस सी और ओबीसी शुड नॉट गो बियॉन्ड द टोटल रिजर्वेशन लिमिट ऑफ फिफ्टी ठीक है तो यह भी बात सही है और यहां पर है आपका दूसरा स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकमेंडेशन द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव टू गिव रिजर्वेशन ऑन अ प्रोफेशनल बेसिस इन मुंसिपल एंड मुंसिपल इलेक्शन ठीक है ये चीज आपको याद रखनी है तो आंसर क्या होगा इसका बी आंसर इसका क्या है बी है ठीक है अब यहां पर हम अगर बात करेंगे यहां पर क्या है आपका यहां पर है माउंट पीना टूबो माउंट पीना टूबो फिलिपींस में है माउंट टम्बोरा कहां पर है माउंट कीन किया क्या यूएसए में है या फैगराडल Fagradal, फैगराडल्स जॉल ये रशिया में है तो यहां पर हम देख सकते हैं क्लियरली कि मिना मिनाटूबो फिलीपींस में है इंडोनेशिया में आपका यू नो माउंट टम्बोरा है माउंट किया यूएसए में है लेकिन फेगराडल फैग्राडल्स जल जो है वो है आइसलैंड में है ना कि रशिया में है तो आपके तीन यहाँ पर पेयर सही है मतलब सी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पर सही होगा ठीक है और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि बात कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में यहां पर यह बात हो रही है कह रहा है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफ उट ऑफ दउट फ्रॉम द इंडियन मार्केट इन ट्वेंटी ट्वेंटी विद दाइएस्ट एवर इट आउटफ्लो तो जो फॉर आउटफ्लो इन्वेस्टर्स है वो बाहर निकल चुके हैं इंडियन मार्केट से ऐसा ही बोल रहा है पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट वेर एज एफ डी आई इज दार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑन दी ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करें तो यह करंट अकाउंट का पार्ट होता है जबकि एफ डी आई जो है इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ऐसा ही स्टेटमेंट बोल रहा है इफ यूएस यूएस फेडरल रिजर्व इंक्रीजेस द इंटरेस्ट रेट देन इट इंफ्लुएंस दी फॉर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू पुल आउट फ्रॉम द इंडियन मार्केट ये बात तो सही है यह बात तो सही है और यही रीजन यही देख रहे हैं आपकी यहां पर क्या हो रहा है करेंसी में जो आपको डिफरेंस नजर आ रहा है वह इसीलिए नजर आ रहा है तो आपका थर्ड स्टेटमेंट सही है कि रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक जो है वह अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट देगा ठीक है तो जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं यूएसए के वो वापस अपने यूएस में चले जाएंगे प्लस और भी कंट्रीज के जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहां इन्वेस्ट करेंगे वो यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे जिसकी वजह से आपका डॉलर स्ट्रांग हो रहा है रुपए कमजोर नहीं हो रहा है डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो उसका इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है ठीक है अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम एनएसडीएल एस डी एल एफ पी आई इज पुल्ड आउट फ्रॉम दी इंडियन मार्केट्स इन अ बिग वे इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू विदर्ली नेट आउटफ्लो ऑफ रुपीज वन करोड़ तो स्टेटमेंट वन सही है बोथ एफडीआई एंड एफपीआई आर पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट का पार्ट नहीं होते हैं फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आपका फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट दोनों जो है किसका पार्ट होते हैं कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं इसका मतलब स्टेटमेंट सेकेंड आपका गलत है और थर्ड स्टेटमेंट मैंने आपको बताई दिया कि सही है इसका मतलब जो आखिरी आपका स्टेटमेंट है यहां पर यह स्टेटमेंट सही है सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है वन और थ्री आपका सही है इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो उसका आंसर है क्या उसका आंसर है बी तो दोस्तों आई होप बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपको ये पचास लगे होंगे और ये क्वेश्चंस आपको हो सकता है एग्जामिनेशन में मिले इनफैक्ट मैं कहूंगा कि मिलेंगे जो हम लोग यहां पर नेत्रो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों मुझे हर हफ्ते आके आप लोग के साथ ये फिफ्टी क्वेश्चन डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन क्वेश्चन से क्या फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही थैंक यू टेक केयर बाय